अगर आपने रिसेंटली फोटोग्राफी चालू की और आप देख रहे हैं एक अच्छे लाइट के लिए, आर्टिफिशियल लाइट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने चालू की है फूड ब्लॉगिंग, आप कर रहे हैं फूड ब्लॉगिंग और आप देख रहे हैं एक छोटे से कॉम्पैक्ट और पावरफुल लाइट के लिए और एक पॉकेट फ्रेंडली लाइट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौसुभ, वेलकम बैक टू द के फोटोग्राफी। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लाइट के बारे में, एक DIY लाइट सेटअप है कि जो एक 500 के अंडर आ जाएगा और आप इसको कहीं पे भी जाके यूज़ कर सकते हो। और ये लाइट बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और आप इसको इजीली कहीं पे भी लेके जा सकते हो और आपके शूट्स इजीली कर सकते हो। महंगे प्रोफेशनल आर्टिफिशियल लाइट्स खरीदने से पहले अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं आर्टिफिशियल लाइट पे काम कर सकता हूँ या नहीं, तो उसके लिए आप ये सेटअप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आर्टिफिशियल लाइट कैसे काम करता है और हमें कौन से प्रोफेशनल लाइट की ज़रूरत है। तो वो डिसाइड करने से पहले आप ये सेटअप एक बार बिल्कुल इस्तेमाल कर लीजिए। और आपके डे टू डे अगर शूट कर रहे हो आप घर पे ही मोबाइल पे भी, तभी भी आप ये लाइट सेटअप यूज़ कर सकते हो, इतना इजी और कन्वीनियंट है ये। तो दोस्तों, ये है आज का अपना DIY लाइटिंग सेटअप। ये है हमारा लाइट, ये मोस्टली हम सीलिंग्स में लगाते हैं और इसको सीलिंग लाइट भी बोलते हैं। अराउंड 400-500 के बीच में ये आपको आएगा, डिपेंडिंग आप कितने पावर का ले रहे हो, क्या ले रहे हो। तो ये ऐसा कुछ दिखता है, एकदम स्लिम सा होता है और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 15 वॉट का लाइट है जिसका टेम्परेचर है 4000 केल्विन। तो ये थोड़ा सा येलो स्टोन का लाइट है और टंगस्टन लाइट बोल सकते हैं इसको। इसमें अलग अलग टाइप्स के लाइट्स भी आते हैं, एक डे लाइट का आता है, एक थोड़ा सा फ्लोरोसेंट भी आता है। तो मेरे पास ये अवेलेबल था, इसलिए मैं आज ये यूज़ कर रहा हूँ लाइट। अगर आप ख़रीद रहे हो तो आपको डे लाइट का लेना चाहिए जिसका टेम्परेचर अराउंड 5600 केल्विन रहेगा। इसमें अलग अलग पावर्स भी आते हैं, अलग अलग पावरफुल लाइट्स भी आते हैं इसमें। ये मेरे पास जो है वो 15 वॉट्स का है, मेरे पास घर पे पड़ा हुआ था। अगर आप ख़रीद रहे हो तो आप 20 वॉट्स 22 वॉट्स इतना भी ले सकते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा पावर उतना अच्छा रहता है हमारे शूट्स के लिए। और ये थोड़ा सा टंगस्टन लाइट है जिसका टेम्परेचर है अराउंड 4000 केल्विन। तो व्हाइट बैलेंस चेंज करके हम उसके कलर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है व्हाइट बैलेंस चेंज करके इसको नॉर्मल लाइट जैसा ये करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि व्हाइट बैलेंस कैसे काम करता है, उसको कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया जो मैं कार्ड में दे रहा हूँ, वो अभी आप देख सकते हो और आपका व्हाइट बैलेंस का जो डाउट्स रहेगा वो उसमें आप क्लियर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे शूट के लिए। मैं लाइट को असेंबल करता हूँ, साइड में रखता हूँ और ये जो टमेटोज है इसको हम शूट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का सेटअप जिसमें हम लोग शूट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने टमेटोज रखे हैं कुछ पिंक बैकग्राउंड पे और ये हमारा DIY लाइट सेटअप है। इसको मैंने कैमरा स्टैंड पे लगा के रखा है, लाइट स्टैंड पे। आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, जो कुछ आपके पास रहेगा एक होल्ड करने के लिए, बस उतना ही है। और ये साइड से हम सिंगल लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो ये साइड से मैंने एक रिफ्लेक्टर डाला है ताकि यहाँ पे जो शेडोज आ रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाए। और कैमरा में कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ये, एज यू कैन सी 1/80th of a second f4 और ISO 640 पे हम लोग शूट कर रहे हैं ये। तो बहुत ही बेसिक लाइट यूज़ करके आप ऐसे कुछ शॉट्स ले सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ये जो लाइट है ये बहुत ही ज़्यादा हार्श है, उसको आपको थोड़ा सॉफ्ट करना है, तो क्या कर सकते हैं, आपको ये एक ऐसा डिफ्यूजन मटेरियल इसके आगे पकड़ना है आपको, ताकि आपकी एक लाइट जो है वो हार्ड में से सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे भी ये ऑलरेडी सॉफ्ट लाइट ही रहती है थोड़ी, बट और सॉफ्ट करने के लिए हम इसके आगे कुछ डिफ्यूजन मटेरियल पकड़ेंगे, जैसे कि वाइट चुनरी हो गई, वाइट कलर का ट्रांसलूसेंट कुछ भी कपड़ा रहेगा या फिर कागज़ रहेगा वो पकड़ेंगे, जिससे कि ये लाइट और सॉफ्ट हो जाएगी। और हमारा फाइनल शॉट लेने से पहले मैं कुछ इसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, वाटर ड्रॉपलेट्स इस पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो ये मैंने एक लिक्विड बनाया है जिसमें वाटर और ग्लिसरीन मिक्स है, 1:1 रेशो है। तो हम बस इसको दूर से इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, देखिए जैसा आप देख सकते हो अभी वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं। बस अभी ये जो नीचे गिरा है और प्लेट पे गिरा है उसको हम लोग साफ कर देंगे, देन वी आर गुड टू गो फॉर शूट। तो देखा दोस्तों, कैसे हमने एक सिंपल सा लाइट यूज करके एक DIY सेटअप क्रिएट करके हमने एक अच्छा सा टोमेटोज का शॉट शूट किया। आप चाहिए तो और एक लाइट लेके एक्स्ट्रा पावर उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, और यदि आपका बजट ज़्यादा हो तो आप एक रिंग लाइट ले सकते हो, 60 वॉट मिनिमम लेना चाहिए, सस्ते वाला मत लीजिए, कि उससे तो बेटर है ये लाइट यूज़ करना।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए अगले वीडियोज़ में। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।